हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेई 2021 के यहाँ पे जो कुछ अपडेट अभी थोड़ा देर पहले ही निकल कर आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि एक यहाँ पे न्यूज निकल कर आया था, जेई मेन्स 2021 के स्थगित होगी अप्रैल सेशन की परीक्षाएँ, छात्र कर रहे थे मांग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पूरे देश में COVID-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, और बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पर कर्फ्यू वगैरह भी लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू और डे कर्फ्यू, ठीक है, दोनों कर्फ्यू लगा दिया गया है। और दिल्ली वगैरह में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, ठीक है, मतलब एक एक दिन गैप करके वहाँ पर कर्फ्यू चल रहा है। तो वो न्यूज क्या थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ। NTA JEE Mains 2021, यह एग्ज़ाम का तीसरा सेशन है, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि JEE Mains का जो है वो फोर सेशन चलता है, मतलब कि एग्ज़ाम जो है वो चार बार आपको इन ईयर आपको चार बार लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा सेशन था जो कि 27 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजन की जानी थी। इस साल परीक्षा चार बार आयोजन की जानी है, पहले दो सेशन की परीक्षा पूरी हो चुकी है, दो बार जो परीक्षा था वो हो चुका था तथा अप्रैल सेशन अभी बाकी ही था। बेकाबू कोरोना वायरस के देखते हुए छात्र सप्ताह CBSE बोर्ड 21 परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी, ठीक है। तो अप्रैल में जो अब छात्र जो है वो NTA से अप्रैल सेशन JEE Mains 2021 की जो परीक्षा है उसको स्थगित यानी कि कैंसिल करने की या फिर डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जो स्टूडेंट हैं उनको कहना है कि 12वीं की परीक्षा अभी स्थगित का साफ नहीं है, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अभी कराना ज़रूरी नहीं है, और ये मतलब बिल्कुल सही भी है। अभी 12th का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ ही नहीं है कि वो कब होगा, तो आप जो है वो JEE Mains का एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और 18 अप्रैल को निर्धारित NEET PG 2021 परीक्षा भी कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित कर दी गई। नीट का जो PG का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी COVID-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, मतलब फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये एग्ज़ाम का तीसरा सेशन है और परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक होना था, और अभी तक मतलब इस पर कोई परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र स्पेशल सोशल मीडिया पर जो है, पहले तो सिर्फ छात्र ही यानी कि छोटे यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया पर ट्विटर वगैरह पे स्टूडेंट लोग ही मांग उठा रहे थे, बट इसके संबंध में अब जो काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ है वो इधर एक दो दिन से भी पब्लिश होने लगा है कि नहीं एग्ज़ाम को सच में कैंसिल कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी जो स्टूडेंट को उनके हेल्थ को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया, तो इससे मतलब साफ लगता है, मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, बट अभी मतलब ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए और उसको डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम JEE Mains और NEET से रिलेटेड आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।